What's up guys, welcome back to our channel Swatanya Vlogs. तो दोस्तों आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी. एक्चुअली वैसे तो आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि खुशखबरी क्या है, बट फिर भी तानिया को यूएस में अपनी पहली जॉब मिल चुकी है भाई, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट में. भाई साहब मतलब लड़की ने कह डाल दिया एकदम माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लेके, वो भी यूएस में, वो पहली बार. एंड वी वर डाइंग टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू गाइस, बट हमारे पास पूरा हफ्ता हमारा बहुत ही बिजी था, तो हम लोग भाई बिजी तो होगा ही. नहीं बिजी तो होगा ही ना, माइक्रोसॉफ्ट में जो काम कर रही है लड़की. अच्छा तो तुम तो काम कर ही नहीं रहे हो. बट जोक्स अपार्ट गाइस, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, पूरा हफ्ता बहुत ही हेक्टिक था हमारा. बट फाइनली अब वीकेंड आ चुका है, तो हमारे पास टाइम ही ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का और ये भी बताने का कि क्या इसकी जर्नी थी, मतलब कैसे कैसे इसको जॉब मिली, क्या और क्या आपको लेके चलते हैं उस जर्नी पे. आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कैसे लग गई यार, इतनी आसान तो नहीं होती है जॉब लगनी, वो भी माइक्रोसॉफ्ट में. स्टार्ट करते हैं और देते हैं आपको इन्फॉर्मेशन की यूएस में जॉब जो है कैसे मिलती है. इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी, तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सेक्शंस में डिवाइड कर दिए हैं. तो फर्स्ट सेक्शन जो है वो ये है कि मेरा इंडिया में क्या जॉब रोल था. देन सेकेंड सेक्शन में हम बात करेंगे कि मेरा वीज़ा कौन सा है यूएस में, और उस वीज़ा पे जॉब अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहता है. देन द थर्ड प्रोसेस विल बी हाउ आई गॉट थ्रू द इंटरव्यूज, और मतलब इंटरव्यू का प्रोसेस वगैरह जो है वो उसके क्या स्टेप्स रहते हैं. देन द नेक्स्ट वुड बी कि मेरा जॉब रोल क्या है, एंड देन मेरी सैलरी जो है वो मुझे यहाँ पे कितनी मिल रही है. तो इंडिया में मेरा जॉब था, मतलब मेरा जॉब रोल जो है वो डेटा एनालिस्ट का था, एंड लगभग 5+ years का मुझे एक्सपीरियंस था. एंड देन मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ मैरिज एंड यूएस आने के लिए, क्योंकि यहाँ उस कंपनी से डायरेक्ट मुझे ट्रांसफर नहीं मिल रहा था थैंक्स टू कोविड. सो मैं यूएस मूव हुई थी अराउंड फेब 2021 में, और मेरा वीज़ा जो है वो है L2 वीज़ा. L2 इज़ अ डिपेंडेंट वीज़ा. यहाँ पर ऐसा होता है कि हर वीज़ा पे आपको मतलब ऐसे डायरेक्टली जॉब नहीं आप कर सकते हो, तो आपको परमिट की ज़रूरत होती है जॉब करने के लिए यहाँ पर. तो L2 वीज़ा पे वर्क परमिट जो है उसको बोलते हैं EAD. तो मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था इनिशियली यहाँ पर जॉब करने का, बट देन ऑल्सो मैंने आते ही अप्लाई कर दिया था, क्योंकि उसको आने में कम से कम 8 से 9 महीने लग जाते हैं, बट उस टाइम पे कोविड चल रहा था तो मुझे और भी लंबा टाइम लग गया. तो अगर मैं चाहती भी कि मैं डायरेक्टली इंडिया से यूएस आकर के जॉब के लिए अप्लाई कर दूं, तो वो भी पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्क परमिट चाहिए और उसको आने में लगता है इतना लंबा टाइम. तो ठीक है, उस वो टाइम हम ले लेते हैं थोड़ा सा यूएस में सेटल होने के लिए. बट बहुत बड़ा बट, अभी एक नया रूल आया है. तो न्यू रूल ये है कि नाउ यू डोंट रिक्वायर EAD ऑन L2 वीज़ा एनीमोर. मतलब कि अगर आप अब यूएस में आ रहे हो तो आपको EAD की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो L2 वीज़ा पे. तो अब बात करते हैं कि यूएस में आकर के जॉब के लिए आप अप्लाई कैसे करते हो और रिक्रूटर्स तक आप कैसे रीच करोगे. तो मैंने भी बस जैसे इंडिया में अप्लाई करते हैं उतना ही पता था कि लिंक्डइन या फिर इंडीड के थ्रू मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. बट देन मुझे बहुत सारे रिजेक्शन ही आने लग गए इनिशियली, मतलब हर कोई जिस भी प्रोफाइल पर मैं डाल रही थी रिजेक्शन ही मिल रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया. तो फिर फाइनली मुझे पता चला कि यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. तो फर्स्ट ये होता है आपको यहाँ पे यूएस का एक्सपीरियंस की प्रेफरेंस मिलती है. तो मेरा तो सारा इंडिया का एक्सपीरियंस था, तो उसकी वजह से भी मेरी प्रोफाइल्स जो है वो रिजेक्ट हो रही थी. और जो दूसरी चीज़ होती है वो यहाँ पर होती है कि वीज़ा की बहुत ही ज़्यादा आपको प्रेफरेंस होती है. तो मेरा जो है वो मेरा L2 वीज़ा था, वो भी डिपेंडेंट. तो L2 वीज़ा ऐसा होता है कि उसका टाइम पीरियड जो है वो बहुत कम होता है, मैक्सिमम टाइम पीरियड उसका 5 साल होता है. तो फिर कोई भी कंपनी क्यों चाहेगी ये, मतलब एक तो उसको सिखाएंगे भी, उसको काम भी करवाएंगे, और उसके बाद वो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए. तो इसकी प्रेफरेंस सबसे कम होती है, तो इसीलिए आपको जॉब ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है. बट ऐसा होता है ना कि अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आपके उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. एक बार ही मेहनत करने से तो आपको वो चीज़ मिल नहीं जाएगी. तो बस मैंने भी वही किया, मैं ट्राई करते गई और लोगों से बात बात करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करी, रिक्रूटर से बात बात करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली. यहाँ पर कंसल्टेंसीज या फिर थर्ड पार्टीज़ के थ्रू आपको
जॉब जो है वो जल्दी मिल जाती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, क्योंकि डायरेक्ट कंपनीज जो है वो आपको प्रेफरेंस बहुत कम देंगी क्योंकि आपका यूएस का एक्सपीरियंस नहीं है. एंड सेकेंड रीज़न जो मैंने आपको बताया कि मेरा L2 वीज़ा है. तो ऐसे ही करते करते मुझे एक कंपनी ने या फिर थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी बोल सकते हो, उसके रिक्रूटर ने मुझे कॉन्टैक्ट किया एंड मुझे बोला कि उसका क्लाइंट है माइक्रोसॉफ्ट. तो वहाँ से मेरा प्रोसेस जो है वो इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो गया. तो अब बात करते हैं मेरा क्या जॉब रोल है एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप वीडियो के स्टार्टिंग से ही सोच रहे होगे, यार सैलरी इतनी मिल रही है अगर माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रही हूँ तो. तो पहले हम करते हैं जॉब रोल की बात, फिर मैं आपको बताऊंगी कि सैलरी कितनी है या फिर यहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है. मेरा जॉब रोल उससे बिल्कुल जो इंडिया में था उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता. मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा इंडिया का एक्सपीरियंस था वो यहाँ आकर के बिल्कुल ज़ीरो हो गया. मतलब उससे रिलेटेड मेरा कुछ भी काम नहीं है, कुछ अलग ही मेरे को यहाँ पे काम मिला है. बट रोल जो है वो रोल सेम ही है, डेटा एनालिस्ट ही है अप्लाई, बट मैंने बिजनेस एनालिस्ट के लिए किया था. तो ऑलमोस्ट सिमिलर दोनों का मिक्स टाइप का रोल है, तो ऐसा कुछ टैगलाइन नहीं है. तो अब बात करते हैं द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब से वेट कर रहे होंगे इस क्वेश्चन का कि सैलरी यहाँ पे कितनी है. तो US में एक मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट होता है. तो अभी जो करंटली चल रहा है वो है बराबर, मतलब मिनिमम जो है आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा. तो मेरी सैलरी भी इसके आसपास ही है. आप लगा लो कि इतनी है कि बस महीने का खर्चा जो है आपका आराम से निकल जाए. उसमें आप जैसे कि ले लो मंथली रेंट आपका निकल जाएगा, खाने पीने का खर्चा और आसपास में जाने का, या फिर वीकेंड्स आप इधर उधर थोड़ा इन्जॉय कर सकते हो. सो गाइज, ये थी इन्फॉर्मेशन US में जॉब कैसे मिलती है, उसके सारे प्रोसेसेस. और अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा जैसे कि इंटरव्यू में से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए एंड बाकी जो भी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो वो आप कमेंट डाउन कर सकते हो. अगर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिले तो हम उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको कमेंट में सारे आंसर्स दे दूंगी. सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना. बाय बाय.